राजनीति और धर्म दो अलग अलग चीज है। लंबे समय से राजनीति और धर्म दो अलग अलग, धर्म अपनाने की चीज है, हर कोई धर्म को अपनाता है, कोई हिंदू धर्म को अपनाया, कोई मुस्लिम को अपनाया, कोई सिख को अपनाया, ऐसा तो है नहीं कि जब आदमी पैदा लेता है तो धर्म के साथ पैदा लेता है, पैदा लेने के बाद भी धर्म परिवर्तन करता है और अपनी खुशी से हर धर्म का सम्मान करता है। तो अपने धर्म को अपनाना और दूसरे धर्म का सम्मान करना, यही सनातन धर्म की परंपरा है। लेकिन कुछ लोग धर्म के नाम पे अब राजनीति करने लगे हैं, वहाँ समस्या है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच है और अपना अपना विचार है। रामचरितमानस दो बात है, हम बार बार कहते हैं कि जो दो बात है, एक है बंच ऑफ थॉट्स जो आरएसएस के संस्थापकों द्वारा लिखी गई किताब है, उसमें वर्ण व्यवस्था को और रिजर्वेशन के ऊपर उन्होंने टिप्पणियाँ की। राज्यपाल को राजनीतिक टिप्पणी करने का अधिकार नहीं, महामहिम राज्यपाल संवैधानिक पद पर हैं, राजनीतिक टिप्पणियां करने का अधिकार राजनीतिक दल के नेताओं का है। जो लंबे समय से 70 साल की आज़ादी के बाद में मुख्यधारा में नहीं जुड़ पाए हैं, उसके लिए बहुत सी राजनीतिक दल संघर्ष करती रही और सामाजिक न्याय के लिए बात करती रही। आरक्षण का लाभ तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में दिया, क्या सही में दलितों को आरक्षण का लाभ मिल गया? आज भी देश में सबसे ज़्यादा रेप केस दलितों की महिलाओं पर होता है, ये सर्वे है, क्यों होता है? जो लोग सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, जब तक कि वर्ण व्यवस्था देश में कायम रहेगी तब तक सामाजिक न्याय की लड़ाई भी जारी रहेगी। सनातन धर्म को लेकर जिस तरीके से बीजेपी आप लोगों को बॉर्डर करना चाह रही है और आपके भी उनको कह रहे हैं कि आप लोग होंगे सनातनी है, सनातन का आप लोग अपमान करते हैं हमेशा, शुरू से आप लोग की पॉलिसी। देखिए ऐसा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल की राजनीति और धर्म दो अलग अलग चीज है। लंबे समय से राजनीति और धर्म दो अलग अलग, धर्म अपनाने की चीज है, हर कोई धर्म को अपनाता है, कोई हिंदू धर्म को अपनाया, कोई मुस्लिम को अपनाया, कोई सिख को अपनाया, ऐसा तो है नहीं कि जब आदमी पैदा लेता है तो धर्म के साथ पैदा लेता है, पैदा लेने के बाद भी धर्म परिवर्तन करता है और अपनी खुशी से हर धर्म का सम्मान करता है। तो अपने धर्म को अपनाना और दूसरे धर्म का सम्मान करना, यही सनातन धर्म की परंपरा है। लेकिन कुछ लोग धर्म के नाम पे अब राजनीति करने लगे हैं, वहाँ समस्या है। शिक्षा मंत्री पोटेशियम सरकार बोल रहे हैं, रामचरितमानस को पोटेशियम सरकार ये कहा था के बारे में ध्यान नहीं। तो देखिए हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच है और अपना अपना विचार है। रामचरितमानस दो बात है, हम बार बार कहते हैं कि जो दो बात है, एक है बंच ऑफ थॉट जो आरएसएस के संस्थापकों द्वारा लिखी गई किताब है, उसमें वर्ण व्यवस्था को और रिजर्वेशन के ऊपर उन्होंने टिप्पणियाँ की और वर्ण व्यवस्था को कायम रखने की पैरोकारी की है, हम लोग उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। दूसरा है जो मेन आपका है, जिसमें कि हिंदू धर्म के व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठाया गया है, उसको भी हम लोग विश्वास, लेकिन जो धर्म के ऊपर रामायण है, गीता है, ये धार्मिक पुस्तकें हैं, इस पर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी करने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये आस्था का विषय है।